Assalamualaikum viewers, Walk & Key Vicinity में एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसने बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है। ये और कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोहिस्तान एन्क्लेव के नाम से एक बहुत ही अच्छी हाउसिंग सोसाइटी है जिसने अभी तक अपनी 4 एक्सटेंशन जो लॉन्च की हैं वो अभी तक सोल्ड आउट हैं। उसके अंदर बहुत कम बुकिंग्स अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली 3.2 मल्ला की एक नई डील कोहिस्तान एन्क्लेव की मैनेजमेंट ने लॉन्च की है जिसकी प्राइस 24,50,000 रुपीज़ है। और अभी मैं सोसाइटी का आपको ओवरऑल विजिट करवाता हूँ। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम आप देख लें कितना डेवलपमेंट का काम हो चुका है और फिर डिसीजन लें कि आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कोहिस्तान एन्क्लेव ने एक बहुत शॉर्ट टाइम में अपना एक बहुत बड़ा नाम बनाया है और इस एरिया के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनमें से सबसे अच्छी डेवलपमेंट अगर मैं कंपेयर करूँ डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के साथ, तो कोहिस्तान एन्क्लेव के अंदर जो सफाई सुथराई का निज़ाम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इनकी प्लानिंग है वो काफ़ी प्रोजेक्ट से बहुत ऊपर है। जैसा कि आप देखेंगे हर ब्लॉक के अंदर इन्होंने एक पार्क, एक मॉस्क और बेसिकली जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो यहाँ पर दी हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जो इसके सबसे पहले ब्लॉक्स हैं जो GT रोड के बिल्कुल साथ एंट्रेंस है, वो ABC और D ब्लॉक थे जो कि इनका सबसे पहला फेज़ था। टोटल 400 प्लॉट था वहाँ पर, जो कि माशाल्लाह इस टाइम पे वहाँ पे लोग लिविंग कर रहे हैं और वहाँ पर रह रहे हैं। डेली की रूटीन एक लाइफ चल रही है। मेरे बैक साइड भी आपको रूट्स इंटरनेशनल स्कूल नज़र आ रहा होगा। रूट्स एक बहुत बड़ा ब्रांड है पाकिस्तान के एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर। इसके अलावा मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल कॉलेज है जी, वो उसके बिल्कुल साथ है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम किसी एक हाउसिंग सोसाइटी की बात करें जो बेसिक नेसेसिटीज हाउसिंग सोसाइटी को चाहिए होती हैं, उनमें वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, स्कूल्स, कॉलेजेस, उसके अलावा आपका कोई भी एक हॉस्पिटल, ये वो नीड्स हैं जो हर रेजिडेंट को चाहिए। अगर मुझसे कोई सवाल करता है कि एक हाउसिंग सोसाइटी को कंप्लीट करने के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखना चाहिए और वहाँ पर लॉन्ग टर्म लिविंग के लिए अपना ज़ाती घर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, तो उनमें से सबसे पहली चीज़ जो मेरे जहन में आती है वो आती है वहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद वहाँ के स्कूल, कॉलेजेस, वहाँ के शॉपिंग सेंटर्स, वहाँ पे हॉस्पिटल और इसके अलावा वहाँ की बेसिक लाइफ कैसी होगी, वहाँ का सराउंडिंग्स कैसी हैं और कैसा एरिया है। वाक इनकी विसिनिटी के अंदर काफ़ी हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पिछले कुछ अरसे में आए हैं, लेकिन अगर मैं उन सबको कंपेयर करूँ कोहिस्तान एन्क्लेव की डेवलपमेंट के साथ, तो यहाँ का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की सफाई, उसके अलावा यहाँ के जो बाकी इन्वायरमेंट ओवरऑल एक डिफरेंट किस्म की वाइब है। यहाँ पर दिल करता आपका कि आप यहाँ के आके अपना घर बनाएं, यहाँ पर आकर अपनी रहाइश इख्तियार करें। और जैसा कि इनका एक सेकंड गेट जो है वो अभी ब्रह्मा बातर इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है और एक बहुत ही नामवर हाउसिंग प्रोजेक्ट है न्यू सिटी फेज़ 2, उसके बिल्कुल ऑपोजिट तकरीबन बनता है, वहाँ से भी आपको कनेक्टिविटी ये लोग दे चुके हैं। अभी भी मैं उसी रास्ते से आया हूँ और मैं यहाँ से होता हुआ पूरी सोसाइटी को घूमता हुआ मैं GT रोड तक गया हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि कनेक्टिविटी को भी आप अगर देखें, मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर रहते हुए। आप GT रोड से अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो GT रोड से करीब होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि यार मैं मोटरवे से लेकर पिंडी इस्लामाबाद जा सकूँ या मैं कहीं भी ट्रैवल कर सकूँ, वेदर आई वॉन्ट टू गो टू पिशावर या मैं नॉर्दर्न एरियाज़ के किसी ट्रिप पर जाना चाह रहा हूँ, तो आप एक ऐसे जंक्शन के ऊपर बैठे हैं जहाँ से आप विद इन 2 मिनट्स या GT रोड एक्सेस कर लेंगे या मोटरवे M1 एक्सेस कर लेंगे। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट को बहुत जो है एक एक्स्ट्रा फीचर मैं कहूँगा इसको, ये एडिशन देती है इस फीचर सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा इनकी सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगी है वो है प्लानिंग। इन्होंने हर चीज़ को प्लान आउट करके किया है और जिस तरह की इनकी पास हिस्ट्री भी है जिसके अंदर इन्होंने काफ़ी 18 के अंदर ये एज अ JV पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने काफ़ी और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो JV के ऊपर किए हुए हैं। तो कोहिस्तान एन्क्लेव बेसिकली एक बहुत ही अच्छा नाम इस टाइम पे मार्केट के अंदर बन चुका है। यहाँ पर काफ़ी बुकिंग्स आई, वो सोल्ड आउट हैं, लोग इस टाइम पे अपनी इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो अपने घर बनाकर यहाँ पर रहाइश पजीर भी हैं। अराउंड 1500 फैमिलीज़ इस टाइम पर यहाँ पर लिविंग इख्तियार किए हुए हैं जी। यहाँ पर आपको 3-4 बाकायदा ग्रॉसरी स्टोर्स मिल जाएंगे जो कैश एंड कैरीज हैं प्रॉपर। इसके अलावा मेरी बैक साइड पर आपको रूट्स स्कूल नज़र आ रहा होगा। अगर रूट स्कूल को आप जानते हैं तो रूट स्कूल की एक अपनी मुनफरद पहचान है, एक बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है पाकिस्तान के एजुकेशन हिस्ट्री के अंदर। इसके अलावा एक मेट्रोपॉलिटन इंटरनेशनल कॉलेज है रूट्स के बिल्कुल साथ है, तो स्कूल, कॉलेज, इसके अलावा एक जो है यहाँ पे CMA के नाम से एक हॉस्पिटल भी बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ जो आपको चाहिए, इसके अलावा वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है और मज़े की चीज़ यह कि अंडरग्राउंड है। 3000 रुपीज़ यहाँ पे मैनेजमेंट कोहिस्तान एन्क्लेव की चार्ज कर रही है यहाँ के रेजिडेंट्स को, जिसके अंदर आपका जितना भी लिटर है वो वहाँ से उठाते हैं वेस्ट। इसके अलावा आपको पानी की फरहमी, जो सप्लाई का पानी है, इसके अलावा अगर आपको कोई गार्डनिंग की ज़रूरत है वो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें इस 3000 के पैकेज के अंदर ये आपको पर मंथ चार्ज करते हैं और ये आपको फ्राम करते हैं इंक्लूडिंग सिक्योरिटी के चार्जेस। तो मेरे ख्याल से एक बहुत नॉमिनल चार्जेस है। और अगर मैं आपको ओवरऑल एनवायरनमेंट इस सोसाइटी का दिखाऊंगा, आप यहाँ पे देखेंगे आपको हर तरफ ग्रीनरी नज़र आएगी और ग्रीनरी
बकायदा प्रॉपर एक प्लान के तहत बनाई गई है। फ्लोर पे भी मैं खड़ा हूँ, ये 180 फीट का बुलेवार्ड है और इसके अलावा इनका सबसे बड़ा बुलेवार्ड जो है वो 250 फीट का है, जो कि मेरे एडजेसेंट चल रहा है राइट साइड के ऊपर। और ये कनेक्टिविटी जो है इस सोसाइटी की, मेरे ख्याल से बहुत ही कम प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनकी कनेक्टिविटी इतनी आसान होती है किसी भी जगह से। तो कोहिस्तान इनक्लेव के जो ऑनर्स हैं कि उनको क्रेडिट देना यहाँ बनता है कि उन्होंने बेसिकली, वो एक कहावत है जंगल में मंगल बनाना, वो वाकई उन्होंने यहाँ पे करके दिखाया है कि एक सोसाइटी कैसे बनाते हैं और एक अच्छी सोसाइटी बनाने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं, और वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे आगे यहाँ पे आगे कमर्शियल एरियाज़ प्रॉपर जो है वो बन रहे हैं, ठीक है, और उन कमर्शियल एरियाज़ के अंदर बड़े प्लॉट्स भी हैं, छोटे प्लॉट्स भी हैं, लेकिन वो सब जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है माशाल्लाह से। तो यहाँ पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ है वो भी बहुत जल्द स्टार्ट हो रही है और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत चीज़ें वहाँ बन जाएंगी। जैसा कि मैंने अभी यहाँ से गुजरते हुए देखा, यहाँ पे फार्मेसीज़ खुली हुई हैं, यहाँ पर डिफरेंट शॉप्स खुली हुई हैं, IDC की कलेक्शन लैब खुली हुई है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इन जगहों के ऊपर ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका होना बहुत ज़रूरी था, आपको यहाँ से बाहर ना जाना पड़े। इसके अलावा अलाइड बैंक मैंने यहाँ पे देखा है, और मैंने अभी इसे पूरा एक्सप्लोर उस तरह नहीं किया है, लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें मैंने देखी, मैं आपको इस वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ कि कोहिस्तान इनक्लेव ने वाकई यहाँ पर एक प्रॉपर लिविंग का कॉन्सेप्ट जो है वो इंप्लीमेंट करके दिखाया है और एक अच्छी लिविंग का कॉन्सेप्ट लोगों को दिया है। वाकेंट के लोग, हसन अब्दाल के लोग, टेक्सला के लोग यहाँ पर बाइंग करके रह रहे हैं माशाल्लाह से, और अच्छे घर बने हुए हैं और बिल्कुल लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हुई हुई है इस टाइम पर, ठीक है। आप कोई इन्फॉर्मेशन कोहिस्तान इनक्लेव के बारे में लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है rbslan.com, वो सबसे अपडेटेड वेबसाइट होगी इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट के हवाले से भी, जैसा कि हम पहले भी क्लेम करते हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। मेरे ख्याल से अगर आपने एक अच्छा घर बनाना है, एक अच्छी सोसाइटी के अंदर बनाना है जो सेफ़ एंड सिक्योर भी हो और जो प्रॉफिटेबल भी हो इस एरिया के अंदर, तो कोहिस्तान इनक्लेव इज़ अ प्रोडक्ट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।